शिवराज की पुलिस गाड़ियां तोड़ती है। हमने चला दी वीडियो बना ली। शिवराज की पुलिस बाइक तोड़ती है। शिवराज की पुलिस गाड़ियां जलाती है। गाड़ी को आग लगा रहा, आग लगा रहा गाड़ी को। गाड़ी का नुकसान कर रहे हैं, गाड़ी को खोल रहे हैं, आग लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। शिवराज की गुंडा पुलिस चाबी फेंक दी है लॉक करके, गाड़ी वहीं डली है, पत्थर से तोड़ रहा है, देखो गाड़ी को बना रहा है। ये तस्वीरें एमपी की राजधानी भोपाल से आई हैं। इन तस्वीरों में नजर आ रहे लोगों ने पुलिस की वर्दी तो पहनी है, लेकिन असल में वो किसी गुंडे मवाली से कम नहीं है। शिवराज की पुलिस ने खाकी को ही शर्मसार कर दिया। हरकत ऐसी कि दंगा भड़काने का ठेका खुद मध्य प्रदेश पुलिस ने ही ले लिया है। इतवार को ओबीसी की हकमारी के खिलाफ एकजुट हुए बहुजन समाज पर शिवराज सिंह चौहान ने कहर बरपा दिया। उनकी पुलिस ने शांति पूर्वक जा रहे लोगों तक की गाड़ियों पर लाठियां मारी। हमने चला दी वीडियो बना ली। हाँ भैया है, भैया ये मैं देखा मार के चंदन हटिया। हाँ कोमल भैया है जी, चंदन हटना भाई। इस तस्वीर में देखिए कुछ युवा बाइक पर आते हैं, लेकिन पुलिस वाले जैसे ही उन्हें लपक कर पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो युवा बाइक छोड़कर भाग जाते हैं। उसके बाद देखिए एमपी पुलिस ने किसी दंगाई की तरह ना सिर्फ गाड़ी को तोड़ा बल्कि अपनी जातीय कुंठा भी निकाल दी। बहुत अत्याचार पुलिस का, देखो लाठियों से मारता हुआ पुलिस प्रशासन, गाड़ियां तोड़ती हुई, नुकसान पहुंचा रहा है। ये तस्वीरें फ्लाईओवर पर खड़े कुछ युवकों ने रिकॉर्ड कर ली। गाड़ी को आग लगा रहा, आग लगा रहा गाड़ी को। गाड़ी का नुकसान कर रहे हैं, गाड़ी को खोल रहे हैं, आग लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। गाड़ी का चाबी फेंक दी है लॉक करके, गाड़ी वहीं डली है, पत्थर से तोड़ रहा है, देखो गाड़ी को बना रहा है। पूरी गाड़ी तोड़ दी। देखो गाड़ी, देखो पूरी गाड़ी तोड़ दी। अब सवाल उठता है कि एमपी पुलिस ऐसा किसके कहने पर कर रही थी। जवाब है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के। एक ओबीसी मुख्यमंत्री ने अपने ही समाज के युवाओं पर लाठियां बरसाई, हजारों लोगों को गिरफ्तार करा लिया और आरएसएस के एजेंडे को पूरा करने के लिए अपने ही समाज के साथ गद्दारी कर डाली। ये वीडियो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा। इतना तो याद होगा शिवराज सिंह चौहान जी चुनाव के फॉर्म में ओबीसी भरते हो, खैर जनता याद दिला देगी। एक बहुजन से इतना डर कि एयरपोर्ट पर पूरी पुलिस फोर्स बैठा दी, अधिकार मांगने पर मेरे भाइयों की गाड़ी तक तोड़ डाली। आरएसएस के एजेंटों सुन लो, गाड़ियां तोड़ सकते हो, हमारे हौसले नहीं, जल्द मिलेंगे। चंद्रशेखर आजाद को भी शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार करवा लिया था। उन्हें कई घंटों तक किसी अज्ञात जगह कैद करके रखा गया, लेकिन जबरदस्त विरोध के बाद शिवराज सिंह चौहान को उन्हें रात को रिहा करना पड़ा। आजाद ने कहा कि वो जल्द इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। दरअसल एमपी में ओबीसी की आबादी तो 50% से भी ज्यादा है, लेकिन वहां ओबीसी को सिर्फ 14% आरक्षण ही मिलता है। साथ ही पिछले दिनों कांग्रेस, बीजेपी और सुप्रीम कोर्ट की तिकड़ी ने मिलकर पंचायत चुनाव में ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण की बहाली और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की मांग को लेकर इतवार को ओबीसी महासभा, भीम आर्मी और जयस जैसे दलित, आदिवासी और पिछड़े संगठनों ने भोपाल में बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। शनिवार को भोपाल की सड़कों पर आरएसएस की झांकियां निकल रही थी।
लेकिन इतवार को बहुजनों पर बीजेपी सरकार ने लाठियां बरसाई। इस घटना ने फिर से साबित कर दिया कि बीजेपी ओबीसी की सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज वीक। दोस्तों, द न्यूज वीक के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं।